तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हर विधानसभा में कम से कम 100 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट स्कूल्स के डेवलपमेंट के लिए, मॉडल गवर्नमेंट स्कूल्स बनाने के लिए सैंक्शन दे, ऐसा मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं अध्यक्ष साहब। अध्यक्ष, उसी प्रकार से 2,72,763 करोड़ रुपीस 2 BHK के लिए इस बजट में बताया गया अध्यक्ष। लेकिन अभी तक कितने मकान बन चुके हैं, कितने लोगों को रहने की व्यवस्था कर दी गई है और कहां कहां बनाने का और विचार है अध्यक्ष, ये नहीं बताया गया। अध्यक्ष, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि हर विधानसभा में स्पेशली 2 BHK के लिए फंड डिसाइड किया जाए और ज़मीन भी अलर्ट किए जाए और तुरंत कार्य भी शुरू किया जाए, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ अध्यक्ष। उसी प्रकार से जिन गरीब वर्ग के जो लोग हैं, जिनका पुराना मकान है, 1 लाख से अधिक उन घरों को लोन देकर, उनको सहयोग करके उन पुराने घरों को मरम्मत के लिए दिया जाएगा, ऐसे बताया गया अध्यक्ष। लेकिन क्या 2 BHK स्कीम को रोक कर ये स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा या दोनों के दोनों स्कीम चलेगी, ये भी मैं पूछना चाहता हूँ अध्यक्ष। अध्यक्ष, तेलंगाना में 24 घंटे करंट, रेलवेज, नेशनल हाईवेज, विलेज डेवलपमेंट, सिटी डेवलपमेंट, हाउसिंग, 11 इरिगेशन प्रोजेक्ट, SC ST OBC, माइनॉरिटी, महिलाएं, किसान, एम्प्लॉयज, इन सब के विकास के लिए केंद्र सरकार से मिल रहा बजट, केंद्र सरकार से कितना सपोर्ट मिल रहा है, कितना बजट मिल रहा है, जैसे कहीं बेल मारो, आप सुन रहे नहीं? हाँ, मैं सुन रहा हूँ अध्यक्ष, लेकिन मैं जस्ट अभी तो 5 मिनट स्टार्ट हुआ अध्यक्ष, कम से कम एक 20 मिनट तो समय दे अध्यक्ष। अपोजिट वालों को आप इतना समय दे रहे अध्यक्ष, कम से कम मेरे को एक 20 मिनट्स का तो समय देना चाहिए अध्यक्ष। अध्यक्ष, मैं कोई गलत अगर सवाल कर रहा हूं तो आप पूछिए अध्यक्ष। मैं ये तेलंगाना को ये पता होना चाहिए, तेलंगाना जनता को और अपोजिशन लीडर को भी पता होना चाहिए कि केंद्र सरकार से कितना बजट आ रहा है और उस बजट का किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है, ये बताने का कर्तव्य सरकार का है अध्यक्ष। उसी प्रकार से अध्यक्ष, मिशन भागीरथ के तहत दिसंबर 2017 तक तेलंगाना राज्य में 24,000 यानी 24,248 ग्रामीण आवासों के और 65 म्यूनसिपालिटीज और ORR के अंदर आने वाले गांवों को, कितने आने वाले गांवों को पीने का पानी का प्रस्ताव 2017-18 बजट में लाया गया था अध्यक्ष। अब तक कितने गांवों को, कितने सीट इनको पीने का पानी दिया गया अध्यक्ष, ये भी बताने की आवश्यकता है अध्यक्ष। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत तेलंगाना में 11 प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार से फंड मिल रहा है अध्यक्ष, फंड मिल रहा है था। इस विषय में सरकार क्यों नहीं बताई जा रही है, इस विषय में भी चर्चा होने की आवश्यकता है अध्यक्ष। अध्यक्ष, MMTS फेज 2 के लिए तेलंगाना सरकार का शेयर नहीं देने के कारण MMTS फेज 2 का काम पूरा का पूरा रुक चुका है अध्यक्ष। इस बजट में अगर इसके लिए भी विचार किया होता तो बहुत अच्छा रहता अध्यक्ष। अध्यक्ष, जैसे मैंने कई बार ये क्वेश्चन उठाया है, कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक अध्यक्ष, केंद्र सरकार यानी तेलंगाना राज्य की सरकार के तरफ से एक बहुत अच्छी स्कीम है अध्यक्ष, बहुत ही सुंदर स्कीम है। लेकिन इस स्कीम में मैंने 3 बार इस विधानसभा में पूछा था कि केंद्र सरकार से क्या कुछ हमें फंड मिल रहा है, तो मुझे आंसर आया नो। हाँ, ओके, मुझे आंसर आया नो। तो अध्यक्ष, मैं कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के प्रति मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कोई गरीब परिवार को हम जब सपोर्ट कर रहे हैं अध्यक्ष, तो जैसे हमारी एक बहन ने भी आवाज उठाई थी, शादी के दिन अगर चेक मिलता है उनको तो उसका बेनिफिट मिलता है, लेकिन लड़की की शादी होने के बाद में जब उस लड़की को बेटा या बेटे वो समय पर वो चेक लेने आ रही है अध्यक्ष, तो ये कहां तक ठीक है अध्यक्ष। तो इस विषय में भी थोड़ा अपडेट होने की आवश्यकता है अध्यक्ष तेलंगाना सरकार को। उसी प्रकार से अध्यक्ष, इससे पहले हमारे मुख्यमंत्री जी
अध्यक्ष हमारे मुख्यमंत्री जी उस्मानिया को आए थे अध्यक्ष, और आने के बाद में यानी जब तेलंगाना में नई सरकार बनी थी 2015 में, मुख्यमंत्री जी जब उस्मानिया आए थे अध्यक्ष, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक हॉस्पिटल है और इसके विकास के लिए मैं 200 करोड़ रुपए दूंगा। और वो 200 करोड़ रुपए अब तक का तो कोई पता नहीं है अध्यक्ष, लेकिन तेलंगाना सरकार एक और एक अच्छी स्कीम चला रही है अध्यक्ष, जिसमें KCR किट के नाम पर दिया जा रहा है अध्यक्ष। तो मैंने इससे पहले भी पूछा था, जब 12,000 रुपये उस किट के माध्यम से दिया जा रहा है तो उसमें केंद्र का कुछ अमाउंट है क्या? तो मुझे आंसर आया नो। तो मैं ये पूछना चाहता हूं अध्यक्ष, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत हमारे इस तेलंगाना को 75 करोड़ 81 लाख रुपीस मिले अध्यक्ष, तो फिर वो फंड को किस प्रकार से उपयोग किया गया, वो फंड को कहां पर खर्च किया गया, ये भी तेलंगाना को, हमारे तेलंगाना राज्य की सरकार को बताने की आवश्यकता है अध्यक्ष। उसी प्रकार से अध्यक्ष मैं काउंटर तो नहीं कर रहा अध्यक्ष, टाइम टाइम नहीं, मैं काउंटर तो नहीं कर रहा अध्यक्ष। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत तेलंगाना सरकार यहाँ किसानों का डिटेल्स नहीं भेजने के कारण कई किसानों का डाटा केंद्र को नहीं मिल रहा अध्यक्ष। तो सारा का सारा डाटा अगर भेजेंगे तो किसानों को बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा अध्यक्ष। उसी प्रकार से अध्यक्ष मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ अध्यक्ष कि तेलंगाना राज्य अच्छे से अच्छा डेवलपमेंट होना है। तो कई लोग ये कह रहे, कई पार्टी के लोग कह रहे कि केंद्र से सही सहयोग नहीं मिल रहा, तो मैं आज ये कहना चाहता हूँ अध्यक्ष कि अगर केंद्र से सही सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो चलो दिल्ली का एक प्रोग्राम लगाओ अध्यक्ष, उसमें मैं भी सबसे आगे रहूंगा, क्योंकि मैं एक तेलंगाना वासी होने के कारण मेरा तेलंगाना भी डेवलपमेंट होना है, मेरा तेलंगाना भी आगे बढ़ना है। अगर 2014 से पहले जो तेलंगाना यानी जब आंध्र प्रदेश था, जब बजट मिलता था, अगर उसमें अगर हमारा तेलंगाना 2014 में अलग होने के बाद में अगर हमारे को बजट कम मिल रहा है अध्यक्ष, तो हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है, ऑल पार्टीज का कर्तव्य बनता है कि तेलंगाना डेवलपमेंट के लिए हम केंद्र से भी डिमांड करेंगे अध्यक्ष, इसके लिए भी हम आपको सहयोग करेंगे। धन्यवाद।